Hey guys, मैं हूँ दानिश तलवार और आज आप देख रहे हैं लाइवली क्राफ्ट्स विद दानिश तलवार। ये मेरी पहली YouTube वीडियो है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बनाएंगे एक 3D लैडर, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएंगे कुछ इस तरह। सबसे पहले हम एक शीट, तो अब हम पहले क्यूब बनाएंगे इसका कुछ इस तरह से। एक्स्ट्रा लाइंस को प्लीज इग्नोर कर दे, वो हम इरेज ही कर देंगे बाद में। तो अब तो हम ये क्यूब के ये और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे, ये और ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट्स, और ये और ये पॉइंट्स। ओके, तो अब हम इन जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको हम इरेज कर देंगे। ओके, तो ये इरेज करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। तो अब हम बनाएंगे इसके ऊपर एक सीढ़ी। तो सबसे पहले एक पेंसिल लीजिए और एक सीढ़ी बनाएंगे हम कुछ ऐसा। अब हम इसको मार्कर से जो है आउटलाइन करके कलर भरेंगे इसके अंदर। तो हमारी लैडर अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो अब इसके लिए हमें एक शैडो बनानी पड़ेगी। शैडो बनाने के लिए आपको एक पेंसिल लेनी पड़ेगी, एक ब्लंट पेंसिल, और अब उसको शैडो के शेप में पीछे शेड कर देना। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो अभी हमने इसका 3/4 बनाया, जो इसकी 1/4 शैडो है उसको बनाने के लिए हम ये जो इसकी फ्लोर वाली है वहाँ पे इसको पूरे ब्लेंड देंगे कुछ इस तरह। कुछ इस तरह हम इसको ब्लेंड देंगे, देखिए, और इसको साथ में फिर हम लोग यहाँ पर इसका ये लास्ट स्टेप भी बनाएंगे। तो अब हम इसको शेड कर देते हैं बाकी की तरह। तो ये देखिए, ये बिल्कुल 3D लग रही है। अब बस इसको थोड़ा सा निखार देने के लिए हम इसमें कॉन्ट्रास्ट देंगे। कॉन्ट्रास्ट देने के लिए हम एक पेन लेंगे और इसको बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे शेड करेंगे कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। तो अब ये देखिए, तो ये अब बिल्कुल 3D लग रही है। तो अब ये बिल्कुल 3D लग रही है, ये देखिए कितने कमाल की और 3D लग रही है। तो कैसी लगी आपको ये? लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसे बनाइए। तब तक के लिए